क्या आपने कभी इडली, डोसा या वड़े के साथ मिलने वाला सांभर खाया है और उस सांभर में डलने वाली एक सब्जी पर ध्यान दिया है जिसे सहजन की फली या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। ये सब्जी देखने में जितनी साधारण लगती है असल में उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि ये बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अकेले सहजन की फली ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हम सभी इसे मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि सहजन के ये छोटे छोटे पत्ते हमारी किडनी को हेल्दी रखने में कितने मददगार होते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं छोटे छोटे पत्तों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेस्ट किडनी डाइट यूट्यूब चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां आपको किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी बस एक क्लिक में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आखिर कैसे मुरिंगा के पत्ते किडनी के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले हम आपको सहजन की पत्तियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको इसके फायदों के बारे में जानने में ज्यादा आसानी होगी। सदियों से मुरिंगा के पत्ते आयुर्वेदिक औषधि बनाने में काम आती रही है। इन पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक और फिनोलिक मिलते हैं और लगभग 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यही नहीं, इन पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेशन गुण भी पाए जाते हैं। चलिए वापस चलते हैं किडनी और मुरिंगा के पत्तों पर और जानते हैं इसके पहले फायदे के बारे में। मुरिंगा की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे ये बॉडी में इंसुलिन को एक्टिव करने में मदद करते हैं। इससे डायबिटीज की प्रॉब्लम अपने आप दूर होने लगती है और डायबिटिक पेशेंट को अलग से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डायबिटीज के लिए रोगी मुरिंगा के अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि डायबिटीज किडनी खराब होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरा है मुरिंगा के पत्ते किडनी खराब होने के दूसरे सबसे बड़े कारण यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दरअसल इन पत्तियों में पोटेशियम की काफी अच्छी मात्रा होती है जो रक्तचाप को कम करने में मदद करती है। पोटेशियम वैसोप्रेसिन को नियंत्रित करता है और ये हार्मोन रक्त वाहिका को आराम दिलाकर ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता और किडनी पर कोई दबाव नहीं पड़ता और किडनी स्वस्थ बनी रहती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मुरिंगा के पत्तों का सेवन किडनी रोगी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व किडनी रोगी को परेशानी में डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुरिंगा के पत्तों के कुछ और फायदों के बारे में। मुरिंगा के पत्तों में आयरन और विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, जिससे ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। 100 ग्राम सहजन पत्ते के पाउडर में कम से कम 28 मिलीग्राम आयरन होता है, जो कि बाकी खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसलिए इसे आयुर्वेद में अनीमिया से राहत दिलाने में काफी प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि ब्लड की कमी होने पर किडनी सिकुड़ने की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड की कमी होने से किडनी तक पूरी मात्रा में ब्लड नहीं जा पाता और फिर किडनी अपने आकार से कम होने लगती है। अगर आप काफी समय से किडनी की पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको एक बार मुरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुरिंगा के पत्तों की सब्जी के नियमित सेवन से किडनी की पथरी में राहत मिलती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व डायरेटिक के तौर पर काम करते हैं, जिससे किडनी में हुई पथरी धीरे धीरे टूट कर अपने आप यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाती है। आप इसमें मुरिंगा के पत्तों का साग, मुरिंगा के पत्तों का चूर्ण और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इसका सेवन करें, उस दिन आप ज्यादा पानी पिए, क्योंकि यूरिन ज्यादा आने की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो ये थे मुरिंगा के पत्तों के कुछ फायदे, जिससे हमारी किडनी रहती है एकदम फिट। इन सभी फायदों के अलावा मुरिंगा के पत्तों से कब्ज, दिल, लिवर और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं में भी राहत मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर मुरिंगा के पत्तों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुरिंगा के पत्तों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाउडर के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसके अर्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
नहीं नहीं, कुछ जगहों पर मोरिंगा के पत्तों का साग बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर रोग के लिए इसका इस्तेमाल अलग तरह से किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से बात कर लें या फिर कमेंट करके आप हमारी टीम से भी इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो बताएं अपना इंट्रो, बताएं पहले तो कि कहां से है, नाम क्या, डिटेल्स बताएं। बेसिकली मैं दिल्ली से ही हूं और मेरा नाम बाल मुकुंद है। मेरे फादर रामकृष्ण जी, एक महीना पहले इनको थोड़ी समस्या कटिंग लेवल इंक्रीज हुआ, इनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा इनको। अच्छा। हाँ, और कटिंग लेवल का शूट पे 11 अप्रॉक्स हो गया था, 11.90 हो गया, 11.25। यस, एंड बहुत कॉम्प्लिकेशंस इनको फेस करनी पड़ रही थी मीन वाइल। सो हम सर से मिले और मेडिसिन शुरू किया, एंड वी विल सी के एक बहुत मैजिकल रिजल्ट हमें मिला, एंड इनका क्रिएटिनिन लेवल विद इन अ मंथ 2 हो गया। विद इन अ मंथ क्रिएटिनिन लेवल 2 हो गया। यस, और जब आए थे उस समय 11 के आसपास था। डायलिसिस कराया था आपने? एक डायलिसिस एक डायलिसिस